राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। मिशन 400 पर निकले एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता अब पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पीओके को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत का है पीओके और इसे तो हम लेकर ही रहेंगे। इसके साथ साथ एक तरफ जहां राहुल गांधी पर निशाना साधा है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी घेरने की पूरी कोशिश की गई है। आपको बता दें कि देश भर में चुनावी माहौल है, ऐसे में चार चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है और तीन फेज और बाकी हैं। ऐसे में पांचवा फेज जो है वो 20 मई को होना है और उसके ठीक पहले अब लगातार राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगातार जनसभाएं कर रही हैं क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 15 दिन है और इन्हीं 15 दिनों में ये तय होगा कि देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और इसी के मद्देनजर जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल तो सुनिए किस तरीके से उन्होंने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है और उसी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेरा है। जब इंडिया अलायंस का शासन था हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी, आज मोदी जी का प्रभाव देखिए कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है, आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे। तो सुना आपने जिस तरीके से पीओके पर बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पीओके भारत का है और उसे तो हम लेकर ही रहेंगे। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी को डर लगता है तो आप लोग डर रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है वो पीओके को अपना कर ही रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और इस दौरान मिशन 400 पर निकले एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में रोड शो के साथ साथ बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, तो कभी बिहार में भी रोड शो भी आपको देखने को मिला। बिहार में भी कभी जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह का शो हो रहा है और ऐसे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मिशन 400 को पूरा करने में जुटी हुई है एनडीए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भी एनडीए को घेरने में लगी हुई है और इस बीच जब अमित शाह पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं उस दौरान वो ममता बनर्जी को घेरते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर ये लोगों को छुट्टियां नहीं देती हैं, हिंदुओं को छुट्टी नहीं मिलती है, मुसलमानों को छुट्टी मिलती है, हिंदू मुस्लिम के साथ साथ पीओके को लेकर भी अमित शाह ने अपना बयान दिया जो भी आप तक हम पहुंचा रहे थे। बाकी और भी
तमाम खबर सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।